गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना में मौजूद है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। घर का घर देने का काम नरेंद्र मोदी ने दिया। भाइयों बहनों, आप सभी को कोरोना का वैक्सीन लगा है या नहीं लगा है? ऐसे नहीं चलता यार, जिनको लगा है वो पेंडाल में, पीछे के पेंडाल में भी जरा हाथ ऊपर करो, कोरोना लगा है वैक्सीन? 25 पैसा भी देना पड़ा है? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर वैक्सीन फ्री में दिया या नहीं दिया? उस वक्त राहुल बाबा कहते थे वैक्सीन मत लीजिए, ये मोदी वैक्सीन है, तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा है मेरे आदिलाबाद वाले उनकी सुनते नहीं है, सबने वैक्सीन लगा दिया। जब राहुल जी ने देखा सबने वैक्सीन लगाया, एक दिन रात को अंधेरे में भाई बहन भी वैक्सीन लगाकर आ गए। अरे शर्म करो राहुल बाबा, कोरोना जैसी महामारी में भी आप राजनीति करते हो। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी झूठ के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी, वो कह रहे हैं कि मोदी जी को 400 सीट दी तो मोदी जी आरक्षण समाप्त कर देंगे। मेरा झूठा वीडियो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी फॉरवर्ड किया, एडिटेड वीडियो करा और कहना चाहते हैं हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। तेलंगाना वालों, मैं आज एक मोदी गारंटी देकर जाता हूं, जब तक देश की संसद में एक भी भाजपा का सांसद है, आदिवासी दलित और ओबीसी का आरक्षण हम समाप्त नहीं होने देंगे, नहीं होने। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर राजनीति करने वाली पार्टी है। एक कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से आई, इतने कम समय में कांग्रेस पार्टी ने ये तेलंगाना को कांग्रेस का एटीएम बना दिया है। हर रोज ये सरकार, कांग्रेस की सरकार, तेलंगाना से करोड़ों रुपया कांग्रेस के फंड में भेज रही। पहले यहां पर टीआरएस भ्रष्टाचार करता था, अब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी कर रही है। तुम्ही दी हट्टी बेराज, इन लोगों ने पूरा नहीं किया। डॉक्टर आंबेडकर प्राणहिता चेवेल्ला प्रोजेक्ट गड्ढे में गया, सिंचाई की व्यवस्था भी इन लोगों ने नहीं की। कुप्ती परियोजना डूब गई, आदिलाबाद पहले एक औद्योगिक क्षेत्र था, यहां पेपर की फैक्ट्रियां थी, पेपर की फैक्ट्रियां भी बंद हो गई। मोदी जी ने 130 आकांक्षी जिलों में अपने आदिलाबाद को यहां शामिल किया है। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ ये मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या ये मुस्लिम आरक्षण? कांग्रेस पार्टी कर गई है, वो संवैधानिक नहीं है। मैं आज यहां से घोषणा कर जाता हूं, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी आते ही हम मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर आदिवासी और दलितों का आरक्षण बढ़ाएंगे। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी का हक काटकर मुस्लिमों को दिया है, एससी का, एसटी का, आदिवासी का हक काटकर मुस्लिमों को दिया है। हम वो खत्म कर फिर से एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे, नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाया, अच्छा किया या बुरा किया? अरे जोर से बोलो भाई, अच्छा किया या बुरा किया?
अबे राहुल बाबा कहते हैं अगर हम सत्ता में आए तो ट्रिपल तलाक फिर से लाएंगे। अरे राहुल बाबा, शेख चल्ली के स्वप्न मत देखो, आपको सत्ता में भी नहीं आना है और ट्रिपल तलाक को वापिस भी नहीं आना है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर देश चलाना चाहती है। मैं आज बताना चाहता हूं, हमारे आदिलाबाद में 2,14,000 लोगों को मोदी जी ने 5,00,000 तक का सारा इलाज फ्री दिया। उज्ज्वला योजना में 47,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 95,000 किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया। 150 किलोमीटर ग्रामीण सड़क योजना दी। 33 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे 353 बनाया। 40 करोड़ से तर्नम ब्रिज बनाने का काम शुरू किया। जेंट और बेला मंडलों को जोड़ता हुआ रोड बनेगा। 40 करोड़ से रेलवे ओवर ब्रिज बनाया। 40 करोड़ से आदिलाबाद रेलवे स्टेशन नया बन रहा है। और इसके साथ साथ मंचेरियन और उटनूर होते हुए आदिलाबाद तक की नई ब्रॉडगेज रेलवे डालने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, एक कांग्रेस पार्टी ओवैसी के थियोरी से, ये रजाकारों से तेलंगाना को बचा सकती है क्या? टीआरएस बचा सकता है क्या? ये टीआरएस और कांग्रेस दोनों ओवैसी से डरते हैं।